बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ था। बीएससी में हमारे पास जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज नंबर 7.13 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका मैंने एक पार्ट करवा दिया था, बाकी 2 पार्ट रहते थे। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या करना है कि इस क्वेश्चन नंबर 2 के 2nd और 3rd पार्ट को सॉल्व करना है। इसके अलावा हम लोगों ने फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और इसके बाद जो आने वाला क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था, इसमें हम लोगों ने प्रूव कर लिया था कि हमारे पास जो 4 पॉइंट्स हैं ये वाले, ये किस शक्ल में है, कोप्लैनर की शक्ल में है। ठीक है, ये प्रूव कर लिया था। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि 1 पार्ट करने के बाद इसका आप लोग पहले 3rd पार्ट कर लेना, फिर उसके बाद 2 पार्ट कर लेना। 2 पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी ये है कि आप लोग पहले 3rd पार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें कहता है कि हमारे पास क्या फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये ए होगा, ये क्या होगा बी, यहाँ पे क्या होगा सी, ये हमारे पास क्या होगा इसका डी, मतलब ये इसके हो गए वर्टिसेस। तो इसकी डायरेक्शन ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, उसका फार्मूला होता है हमारे पास ए बी क्रॉस ए डी वेक्टर निकाल के उसकी मैग्नीट्यूड ले लें तो उसको क्या कहते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसको किसी में डबल स्टेरिक इक्वेशन का नाम मेंशन कर देता हूं। अब हम लोगों ने ए बी निकाल लिया था यहां पे। ठीक है, ये ए बी हम लोगों ने किया था, निकाल लिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जस्ट निकालना है ए डी वैक्टर, फिर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके क्या लिख लेंगे हम, उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए डी वैक्टर किस तरीके से निकालेंगे, ये हमारे पास x1 y1 z1, ये क्या होगा x2 y2 z2। तो सबसे पहले लिखते हैं x2 - x1 आई यूनिट वैक्टर, 10 - 5 आई यूनिट वैक्टर, और इसके बाद +2 - 3 जे यूनिट वैक्टर, y2 - y1 जे यूनिट वैक्टर, और थर्ड वाला थर्ड पॉइंट से माइनस करके के यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 - 3, यहाँ पे आ जाएगा के यूनिट वेक्टर, तो ये आ जाएगा 5i - j - 4k। ठीक है, ये ए डी आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, ए बी क्रॉस ए डी निकालना है, ए बी क्रॉस ए डी। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये हमारे पास, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 - 1 और - 4, 5 - 1 - 4। अब ए बी क्रॉस ए डी किस तरीके से निकालेंगे, ये हमारे पास आई, ये जे और यहाँ पे के। ए बी के हमारे पास क्या एलिमेंट्स आए थे, यहाँ पे -4 और 1 और 0 आए थे। ठीक है, -4, 1 और 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे -4, 1 और 0। ए डी के हमारे पास कितने आए, 5 - 1 और - 4। ठीक है, इसके 3 by 3 के डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, आई यूनिट वेक्टर के एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, बाकी ये 4 एलिमेंट्स लिख लेंगे। ये हमारे पास है 1, 0, -1 और -4, दरमियान में -j लिखेंगे। ठीक है, -j लिखेंगे, और ये हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, -4, 0, 5, -1, इसके ऊपर हाथ रख के बाकी 4 कॉन्स्टेंट लिख लेंगे, -4, 0, -4, 0, 5, -4। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे के यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स लिख लेंगे, ये क्या है हमारे पास, -4, 1, 5, -1। 2 by 2 के डिटर्मिनेंट को ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर ए बी सी डी को डिटर्मिनेंट है तो उसको एक, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में क्या होता है, माइनस होता है। तो इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा -4 + 0 - j यूनिट वेक्टर, 16 - 0
प्लस के यूनिट वेक्टर, और ये हो जाएगा 4 माइनस 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4i -16j प्लस, बल्कि 4 माइनस 1 के 5 कितना, -1, -1 को के से मल्टीप्लाई करेंगे, -k यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास आ गया AB क्रॉस AD आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास AB क्रॉस AD का जो हमारे पास रिजल्ट आया वो कितना आया, -4i -16j -k। तो अब हम लोगों ने लेनी है AB क्रॉस AD, ठीक है, AB क्रॉस AD की मैग्नीट्यूड लेनी है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग i, j और k के साथ जो कांस्टेंट होते हैं उनका स्क्वेयर ले लेते हैं, दरमियान में सम भी लगा देते हैं। तो ये हमारे पास -4 इसका स्क्वेयर प्लस -16 इसका स्क्वेयर प्लस -1 इसका स्क्वेयर। तो ये माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा, ये भी किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 16, 4 का स्क्वेयर 16 होता है, 16 का स्क्वेयर कितना होता है हमारे पास 256 होता है, और इसके बाद हमारे पास 1 का स्क्वेयर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 273। यही हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेलल लेन लगा के ओ ग्राम लिख लेते हैं, ये शॉर्ट में पैरेललोग्राम को इस तरीके से लिखते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने प्रूव करना है कि शो दैट दीज पॉइंट्स आर फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो के हमारे पास जो 4 पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, पैरेललोग्राम की शक्ल में है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या करना है, इनको प्रूव करना है। तो ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं कि हमारे पास जो 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनका डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम की शक्ल बना के आप लोगों को, इसकी डायग्राम बना के आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखें हमारे पास ये क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम, यहाँ पे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ए से बी की जानिब डायरेक्शंस, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ये हम लोगों ने इसकी डायरेक्शन बना ली। अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि शो दैट दीज पॉइंट्स आर फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, कि ये हमारे पास जो 4 पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, पैरेललोग्राम की शक्ल में है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास ये वाला जो ए बी है, ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें शो करना है, वी हैव टू शो दैट, हम लोगों ने ये साबित करना है कि ए बी का जो डिस्टेंस है हमारे पास, ए बी का जो डिस्टेंस है वो बराबर आना चाहिए सी डी, मतलब इसके अपोजिट। इस ए इसकी डायरेक्शन ए से बी की जानेब है, इसकी सी से डी की जानेब है, तो सी और डी डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। और इसके बाद बी सी, बी सी का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, डी ए या ए डी आप लोग लिख लो, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हमारे पास डिस्टेंस वैसे भी पॉजिटिव होता है, तो ए डी लिख लो, ठीक है। हम लोगों ने प्रूव करना है कि इसका और इसका रिजल्ट बराबर आना चाहिए, इसका और इसका रिजल्ट बराबर आना चाहिए। अगर ये भी हमारे पास 2 पॉइंट है इनका डिस्टेंस लेंगे, ये भी हमारे पास 2 पॉइंट है इनका डिस्टेंस लेंगे, ये भी हमारे पास 2 पॉइंट है इनका डिस्टेंस, ये भी 2 पॉइंट है इनका डिस्टेंस, इसका और इसका बराबर आना चाहिए, इसका और इसका बराबर आना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, पैरेललोग्राम की शक्ल में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए बी, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस किस तरीके निकालते हैं, ठीक है, ये हमारे पास होगा x2 - x1 का स्क्वेयर प्लस y2 - y1 का स्क्वेयर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये है ए हमारे पास, ये है बी, ये होगा x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 और z2, ठीक है। तो इसके फार्मूले के मुताबिक पुट कर देंगे, तो x2 कितना है हमारे पास 1 - 5 का स्क्वायर,
प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, फोर माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर। माइनस फोर का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास बराबर होता है सिक्सटीन के। सिक्सटीन के प्लस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। थ्री माइनस थ्री जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेवनटीन अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या निकालना है, सी डी, सी डी का डिस्टेंस। तो हमारे पास जो सी पॉइंट होगा वो होगा एक्स वन वाई वन जी वन, और दूसरा क्या होगा एक्स टू वाई टू जी टू होगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लेंगे टेन माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट, ये भी आ जाएगा हमारे पास 17 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 10 माइनस सिक्स कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वन, और ये जीरो, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 17 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसका और इसका रिजल्ट आप बराबर आ गया, ठीक है। बी सी और ए डी का डिस्टेंस लेंगे, इन दोनों का रिजल्ट भी क्या आएगा, बराबर आएगा। तो अगर बराबर आ जाता है इसका और इसका, तो बराबर आ गया डिस्टेंस, ठीक है, ए बी और सी डी का डिस्टेंस बराबर आ गया, ठीक है। इसी तरह बी सी और सी डी का निकालेंगे, अगर इसका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास ये जितने भी पॉइंट्स हैं, चार पॉइंट्स हैं, ये किस शक्ल में है, पैरेललोग्राम की शक्ल में है, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं बी सी और ए डी। तो बी सी का डिस्टेंस बी सी लेंगे, तो याद रखना जो हमारे पास पहले है, मतलब बी है, तो वो होगा एक्स वन वाई वन जी वन, और सी जो होगा वो एक्स टू वाई टू जी टू होगा, ठीक है। तो सिक्स माइनस क्या लिखेंगे, सिक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर, ये एक्स वन वाई वन जी वन होगा, ये एक्स टू वाई टू जी टू होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइव का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ट्वेंटी फाइव प्लस वन प्लस सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव प्लस वन प्लस सिक्सटीन, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे फोर्टी स्क्वायर रूट में। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, ए डी, ए डी, ए डी का डिस्टेंस, ए डी का डिस्टेंस हम लोग किस तरीके से लेंगे, ये एक्स वन वाई वन जी वन होगा, ये एक्स टू वाई टू जी टू। तो टेन माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइव का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फोर्टी स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा ये हमारे पास क्या है, इसको आप लोग वन का नाम मेंशन कर दें, ये हमारे पास टू है, ये हमारे पास क्या है थ्री है, ये हमारे पास क्या है फोर। तो बाय वन टू थ्री और फोर से हम लोगों ने देखा कि ए बी का रिजल्ट बराबर आया हमारे पास सी डी के, ठीक है, और बी सी का रिजल्ट हमारे पास आया कितना, ए डी के बराबर आया। तो हम लोग कहेंगे सो दीज पॉइंट्स आर फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ तक इसका सोल्यूशन। तो ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। डिस्टेंस वैसे भी दो पॉइंट का आप लोगों को पता है कि किस तरीके से निकालते हैं, वो फार्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जी टू माइनस जी वन का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट होती है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थ्री, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, वो कहता है फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बॉन्डेड बाय अ प्लेन एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स, और उस प्लेन के क्या फाइंड आउट करने हैं हम लोगों ने, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन, सब एक प्लान हमारे पास गिवन है और वो कहता है कि फाइंड करें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो याद रखना वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन के लिए कम से कम हमें कितने चाहिए पॉइंट्स चाहिए होते हैं, चार पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास गिवन प्लान है, गिवन प्लान इज
तो ये हमारे पास है 2x-4y प्लस का z इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको आप लोग इक्वेशन वन का नाम मेंशन कर दें। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इनके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। क्या फाइंड आउट करेंगे? प्लेन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे? y और z की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0 इन इक्वेशन 1। जब y और z 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x-4 0 प्लस z भी 0 इज इक्वल टू 4। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/2। कितना आ जाएगी यहाँ पे? 2। तो हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा जिसको मैंने a का नाम दिया। x की वैल्यू कितनी आई? 2, और y और z कितना था? 0। तो ये भी 0 ये भी 0, क्योंकि पहले हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की, फिर z की। अब यहाँ पे लिखो फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? पुट कर देंगे हम लोग x भी 0 पुट कर देंगे और z भी 0 पुट कर देंगे। किस में? इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 0-4 y प्लस z भी 0 इज इक्वल टू 4 के, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ये 0-4y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू हमारे पास 0-4y कितना हो जाएगा? माइनस का 4y और ये 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4/4, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। x 0 था, y कितना? -1 आया। z कितना था? वो भी 0 था। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट कोई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है फॉर जी इंटरसेप्ट, फॉर जी इंटरसेप्ट, ठीक है। जी इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे? पुट करेंगे एक्स भी 0 और वाई भी 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इसमें तो हमारे पास आ जाएगा 2 ये 0-4 y कितना? y भी 0 और प्लस z इज इक्वल टू कितना? 4। तो ये भी 0 प्लस z इज इक्वल टू 4। तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 4 आई, ठीक है। सो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट बनेगा जिसको हम लोगों ने c का नाम दिया, z की वैल्यू कितनी है? 4। x भी 0 है, y भी 0 है, क्योंकि ये हम लोगों ने 0 पुट किया। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट्स के जो हमारे पास वर्टिसेज आए, ठीक है, टेट्राहेड्रन के, ठीक है, वर्टिसेज इस टेट्राहेड्रन के जो हमारे पास आए, वर्टिसेज ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है, उसके जो वर्टिसेज आए हमारे पास, पहला तो ओरिजिन वैसे 0 0 होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास ए कितना आया? ए हमारे पास आया यहाँ पे, ए ये वाला आया था, ठीक है, ये वाला, बी ये सी, ए बी सी। तो 2 0 0, बी हमारे पास कितना आया? बी हमारे पास आया यहाँ पे 0-1 और 0, और सी हमारे पास कितना आया? 0 0 4, ठीक है। तो ये चार हमारे पास इस टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस आ गए। यही हमारे पास क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं। जब हम लोग एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ये तो ऑटोमेटिकली हो गया। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन किस तरीके से निकालते हैं कि अगर हमारे पास कोई से चार पॉइंट गिवन हो, ठीक है, और उनका हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो वॉल्यूम, तो उसका हम लोग ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। कैसे लेते हैं? ये देखें फार्मूला, फार्मूला हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वो हम लोग क्या लगा लेते हैं यहाँ पे? 1/6 लगा लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये के पहले जो पॉइंट्स क्या है? 0 0 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 0 0। उसके बाद क्या है? 2 0 0 2 0 0। थर्ड कितना है? 0-1 0 0-1 0 और 0 0 4, ये 0 0 4 लगा देंगे। लास्ट में क्या लगाते हैं? 1 1 1 1, मतलब फार्मूला होता है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, और यहाँ पे होता है x1 x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4, z1 z2 z3 z4। ये हमारे पास होगा x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 z2, ये होगा x3 y3 z3, और ये होगा x4 y4 z4।
तो ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखें हम लोग इसमें हम लोग रो और कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास ये तीनों तीन जीरो है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग बाय आर वन। ठीक है, ये हमारे पास पहली रो है, ये दूसरी रो, ये तीसरी और ये चौथी। तो पहली रो और पहले कॉलम को हम लोग फोर्थ कॉलम को क्या कर लेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/6। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ये हमारे पास होगा 2 0 0 0 -1 0 और 0 0 4। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। इसका जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है, वो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/6। 1/6 ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसको हम लोग इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हाथ रख के ये चार किस्म के एलिमेंट जो है इनका 2/2 का डिटर्मिनेंट बना लेंगे, -1 0 -1 0 0 4। दरमियान में क्या लिखते हैं, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ठीक है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फिर भी ज़ीरो, तो 1/6 ये आ जाएगा 2। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 -0, 2/2 का डिटर्मिनेंट मैंने आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/6 -8। ठीक है, तो इसको हम लोग मज़ीद आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -8/6। इसको अगर 2 वाले टेबल पे कैंसिल आउट करें तो 4 2 8, 3 2 6, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा -4/3। ठीक है, -4/3। तो वॉल्यूम हमेशा लेंथ होती है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्या होती है लेंथ, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव में उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो नेगलेक्ट नेगेटिव साइन, नेगलेक्ट नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम लोगों ने इस लेक्चर में सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है आप लोगों को, अगर इसमें कोई भी ऐसा स्टेप है अगर आप लोगों को समझ ना आया, तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है। ठीक है, अगर ये मेथड समझ नहीं आया तो किसी और मेथड से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबको शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी मैथ का ऐसा चैप्टर है अगर समझ नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना है, मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।